ये जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, ये अपनी आंसर शीट में आंसर लिखने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, उसके लिए तो मैंने ये वाली वीडियो बनाई दी थी। लेकिन आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो टॉपर्स होते हैं अपने आंसर को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो को नहीं देखी तो उसको देख लेना, बाकी अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो इस वीडियो को पूरा देख लो, फिर ही जाना। तो बात आज हम लोग करेंगे कि आखिरकार जब आप एक आंसर लिख रहे होते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, यानी कि ओवरऑल हम लोग कॉपी में आंसर लिखते समय प्रेजेंटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा होता है बट अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे करके आते हो तो यकीन मानो आप 70-80% नंबर जो है किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन में ला सकते हो। लेकिन अगर आपको आंसर सारे आते हैं और उसके बावजूद अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं आती तो आपके मार्क्स जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। कहने का मतलब पूरा आंसर आते हुए भी आपको 70-80% नंबर ही मिलेगा, क्योंकि बिना प्रेजेंटेशन के आप जो है अच्छे से अपने आंसर को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, टीचर को बता ही नहीं सकते, एग्जामिनर को बता नहीं सकते कि आपको आंसर कितना आता है कितना नहीं आता है। और उसी के बिहाफ पर आपको नंबर मिलेगा कि आपने आंसर तो सही लिखा है बट उसको ढंग से नहीं लिखा होने के कारण आपके नंबर कट जाते हैं। तो इसीलिए एक स्टूडेंट के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिरकार अपना आंसर लिखते कैसे ताकि आप पूरे के पूरे मार्क्स लेकर के आए। तो देखो, मैं आज की इस वीडियो में बेस्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में बात करने वाला हूं कि आप जब भी कोई कॉपी में आंसर लिख रहे होते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मोटा मोटी हम लोग जो बात करेंगे वो ये होगा, आपको कैसे अलाइनमेंट का ध्यान रखना है, कटिंग, बॉर्डर्स, अंडरलाइनिंग, गैपिंग और आंसर टाइप्स के बारे में हम लोग बात करने वाले। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, सो दैट इस वीडियो को पूरा देखना। हाँ, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए बट कोई नहीं, आपके मार्क्स का सवाल है यानी कि आपके लाइफ का सवाल है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे अलाइनमेंट के बारे में। देखो, बहुत सारे बच्चे अपना आंसर तो लिखते हैं लेकिन वो अलाइनमेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आप इस तरीके से सारे आंसर्स को लिखना शुरू करें, ठीक है, और या फिर आप जो है कहीं पर भी कोई भी आंसर लिखना शुरू कर दें। तो मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं अपने बोर्ड की कॉपी में एग्जाम लिखते समय, वो अलाइनमेंट का ध्यान नहीं रखते। अलाइनमेंट आपको इस तरीके से रखनी चाहिए, जैसे आप इस वाले आंसर में देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ये इस तरीके से शुरू करा हुआ है, जबकि ये एक गलत प्रैक्टिस है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके आते हो, अपना आंसर लिख करके आते हो, तो हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग पर उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगता, और खास करके तब तो बिल्कुल भी नहीं लगता जब आपकी राइटिंग खराब हो। हालांकि जिसने ये कॉपी लिखी है इसकी राइटिंग देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, सो दैट इसको जो है पूरे के पूरे मार्क्स मिले हुए हैं, बट मैं चाहता हूँ अगर ये चीज एकदम अलाइंस करके लिखी हुई होती तो ये जो आंसर दिख रहा है ना, ये हमारी आंखों को और ज्यादा सुंदर लगता है, एग्जामिनर को और ज्यादा सुंदर लगता। तो अगर इसके कहीं पर मार्क्स कटे भी होंगे बाय द वे, तो वो नहीं कटते हैं क्योंकि इन्होंने थोड़ी सी गलती करी है। वैसे तो आंसर सही है, सुधर इनके सारे आंसर चेक हुए हैं, ठीक है। अब आप इस कॉपी को देखिए, इस कॉपी में जो आंसर लिखा हुआ है ये एकदम लाइन से लिखा हुआ है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अलाइनमेंट आपको जो है कायदे से करनी। मैं आपको आगे और भी अलाइनमेंट के बारे में अच्छे से बताऊंगा। अब देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इधर राइट साइड में जो है अलाइनमेंट का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है, राइट साइड में अलाइनमेंट की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट आप लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट का ध्यान रखें। इन्होंने एक चीज और भी करी है, वो ये करा है कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन से इन्होंने जो है अलाइन करने की कोशिश करी, उसी लाइन से सटा दिया है, बट आप कोशिश करके ये करें इस लाइन से आधा सेंटीमीटर या मिनिमम 1 सेंटीमीटर जो है छोड़ दें, उसके बाद में अपने जो शब्द हैं उनको अलाइंस करने की कोशिश करें। अब जैसे कि आप जो भी चीज़ लिखते हो, जैसे मान लो आपने यहाँ पर लिखा राम, ठीक है, राम हमने लिखा, और ऐसे ही लिखते चले गए पूरी लाइन। अब जो हमें सीता लिखना होगा तो हम यहीं पर लिखेंगे, ठीक है, मतलब जो भी अगला वर्ड है हमारा, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने आगे जो है लक्ष्मण लिखा, तो ये अलाइनमेंट बहुत ध्यान से रखने वाली होती है और ये भाई साहब बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है। अगर आप इसको लिखते हैं ना तो आपका आंसर देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक लगने लग जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करना चाहेंगे बॉर्डर के बारे में। बहुत सारे लोग ना बॉर्डर खींचने में अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं या फिर बॉर्डर बिल्कुल भी नहीं खींचते। आप दोनों ही ना करें, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप खूब सारे बॉर्डर ही बॉर्डर खींचते अपनी कॉपी को एकदम भर दो या फिर आप एक भी बॉर्डर का यूज ना करो, ये भी गलत है। मतलब बॉर्डर कहीं ना कहीं तो बनाने चाहिए। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस कॉपी को देखें, इस कॉपी में इन्होंने क्या करा है, डबल डबल लाइन के एक्स्ट्रा बॉर्डर खींचे हुए हैं। अब देखिए इनके आंसर में अलाइनमेंट बहुत अच्छी है, यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने बहुत कायदे से अलाइनमेंट रखी हुई है। यहाँ पर भी अलाइनमेंट है, यहाँ पर भी अलाइनमेंट आपको देखने को मिलेगी, सब जगह पर इन्होंने अलाइनमेंट का तो बहुत प्रॉपर ध्यान रखा है, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा क्या करा है कि डबल लाइन के बॉर्डर खींचे। मैं चाहता हूँ आप ये डबल लाइन के बॉर्डर बनाना बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। देखो इधर साइड का बॉर्डर तो बना ही है, लेफ्ट साइड का बना होता है, राइट साइड का बॉर्डर खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में टाइम है काफ़ी ज़्यादा तो आप खींच लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मैं तो कहता हूँ बिना राइट साइड के बॉर्डर के आप काम करो, लेकिन इस जगह पर जो ये इन्होंने दो लाइनें खींची हैं, ये बॉर्डर आप तब बनाओ जब आपका पूरा पेपर हो चुका हो, तब हर क्वेश्चन के बाद में जहाँ पर आपका नया क्वेश्चन शुरू हो रहा होता है वहाँ पर आप बनाओ।
तो मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ, बॉर्डर आपको तब बनाना है जब आपका पूरा पेपर हो जाए, उससे पहले बनाने की गलती मत करना, क्योंकि बॉर्डर खींचने में कम से कम 30 से 40 सेकंड तो आपके लग ही जाते हैं। और अगर आपके पेपर में मान के चलते हैं 30 क्वेश्चन हैं और आपने हर बॉर्डर खींचने में 30 सेकंड का समय लिया, ठीक है, तो इस तरीके से आप कितना सारा टाइम इसी में वेस्ट कर दोगे, है ना। तो 15 मिनट तो आपके यहीं पर चले जाएंगे, इसलिए बॉर्डर आप तभी खींचो जब आपका पूरा पेपर हो जाए। और जरूरी नहीं है भाई डबल लाइन का बॉर्डर खींचो, आप सिंगल लाइन का बॉर्डर खींच सकते हो, या नहीं भी खींचोगे तब भी चलता है। मोस्टली जो बच्चे हैं वो बॉर्डर नहीं खींचते हैं, लेकिन इन्होंने खींचा हुआ है, अच्छी बात है। तो बॉर्डर खींचने के लिए आपको जगह भी चाहिए, तो अब इसके लिए हम गैपिंग पर बात करेंगे। गैपिंग पर आकर के फिर मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है वो है कटिंग और मिस्टेक का। देखो, आंसर अच्छा हो ठीक है, लेकिन उसमें कटिंग ना हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी को चेक कर रहा होगा, तो उसको अगर कटिंग मिल गई या मिस्टेक आपकी मिल गई, आपने ऐसे काट रखा है, तो आपके नंबर काट देगा, नहीं। लेकिन उससे इंप्रेशन ख़राब होता है, और इंप्रेशन हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें टीचर के अंदर एक साइकोलॉजी बिल्ड करनी होती है एग्जामिनर के अंदर, कि भाई ये जिसकी कॉपी चेक कर रहा है वो बहुत जीनियस बंदा है। उसके लिए टीचर को कटिंग नहीं दिखनी चाहिए। जब कटिंग दिखती नहीं है तो एग्जामिनर ऑलरेडी समझ जाता है कि भाई साहब कॉपी तो अच्छे बंदे की चेक कर रहे हैं, और फिर हमें मिलते हैं धड़ाधड़ नंबर। देखो, कटिंग करने के भी तरीके होते हैं। अगर आपसे जानबूझ के कटिंग हो ही गई, तो आप इस वाले पेज को देखो और बताओ कहां पर इसमें जो है कटिंग देखने को मिल रही है। जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तब आपको दिखाई देगा, ये देखो इन्होंने काट रखा है यहां पर, ये आपको दिख रहा है ना, शारीरिक में शारीरिक गलत लिख दिया था, तो इन्होंने मात्रा गलत कर दी, सो दैट सिंगल लाइन से कट करा हुआ है। तो इस तरीके से आप कटिंग करें, ठीक है। इस तरीके से ना करें कि मैं आपको एक कटिंग दिखाता हूँ करके, जैसे आपने जो है मान के चलते हैं जैसे प्रतिबंध लिखना था, इसको ऐसे ऐसे काट दिया, आप देखो कितना हाईलाइटेड दिख रहा है, ठीक है, मानसिक काट दिया। तो इस तरीके से आपको घोचना नहीं है, आपको एक सिंगल लाइन की कटिंग करनी है, बस इतनी कटिंग करनी है कि वो दिखाई ही ना दे, ठीक है। ये मैंने पिछली वाली वीडियो में भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूँ, कटिंग पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे ही आपके सामने पेज पलटा, अब आप इसमें कटिंग ढूंढो, देखो आप जाहिर सी बात है आपकी नज़र यहाँ पर आराम से पहुँच गई होगी, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, कम जगह में ज़्यादा चीज़ें लिखने की कोशिश करी हैं। और जब आप ऐसे कटिंग कर देते हो, कुछ भी घोस देते हो, तो भाई वो ज़्यादा दिखने लग जाता है और वो गलत इंप्रेशन डालता है। इसीलिए जब भी आपको कटिंग करनी हो, आप सिंगल लाइन का कट करें और उसके आगे लिखें, ये नहीं कि जो जगह बची हुई वहाँ पर लिख दिया। अच्छा हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमें लिखना पड़ जाता है, जैसे कि मान लो हमने पूरा क्वेश्चन लिख दिया, अब हमें पता चला है कि यहाँ पर यार वैरी नहीं लिखना था, हमें मान के चलो यहाँ पर वॉरियर्स लिखना था, तो अब जगह है ही नहीं, अब क्या करेंगे, तो आप ऊपर लिख सकते हो, क्योंकि अब उस कंडीशन में तो भाई हमारे पास ना जगह बची है, ना हमारे पास टाइम है उतना कि हम पूरा आंसर काट करके दोबारा से लिखें, सो दैट ऐसे कर लो चलेगा, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन इंप्रेशन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि भाई इंप्रेशन आपका खराब नहीं होना चाहिए, इसीलिए कम से कम ऐसी गलतियां हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग दोस्तों बात करें अंडरलाइन के बारे में। बच्चे एग्जाम में बहुत ज़्यादा अंडरलाइन करने के पीछे पड़े रहते हैं, उनको लगता है कि अंडरलाइन करे बगैर आंसर नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि कीवर्ड को अगर आप अंडरलाइन कर देते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको पूरा आंसर नहीं चेक करना होता है, वो जब अंडरलाइन वाले कीवर्ड देख लेता है, वो उन्हीं को देख करके आपको नंबर दे देता है। मतलब उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई, जो हम ढूंढ रहे हैं वो है इसमें, तो वो अंडरलाइन वाले वर्ड को ही देख लेता है, उसको बोलते हैं हाईलाइटेड। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे आंसर को ही अंडरलाइन कर देते हैं, तो फिर उसमें क्या ही कीवर्ड मिलेगा। सो दैट आप ये कोशिश करें कि जो आपके आंसर में एक दो वर्ड हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो, उनको अंडरलाइन कर दो। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, इन्होंने क्या करा है, इसको अंडरलाइन कर दिया, प्रमोटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, दिस इज कीवर्ड। फिर यहाँ पर इन्होंने इंडिपेंडेंट को अंडरलाइन करा है, ठीक है, इस तरीके से कुछ वर्ड को इन्होंने अंडरलाइन करा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेन वर्ड है, बस उसी को अंडरलाइन करा, और पूरे पेज में आपको 1, 2, 3, 4, 5 अंडरलाइन वाले वर्ड देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर मार एकदम भर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, हर जगह अंडरलाइन कर दी, तो हर जगह अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कुछ कीवर्ड हैं, उनको आप अंडरलाइन करो, जरूर करो, क्योंकि इससे क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है, कॉपी चेक कर रहा होता है, वो पूरे आंसर को बिना पढ़े केवल आपके कीवर्ड को देख करके ही मार्क्स दे देता है, और आपको पूरे के पूरे मार्क्स भी मिल जाते हैं। और ऑब्वियसली इसमें गलतियाँ छुपने का ज़्यादा चांस है, कि जैसे आपने मान लो कि पूरी लाइन गलत लिख दी, बट आपका कीवर्ड सही है, तो आपको मार्क्स तो मिल जाता है, ठीक है, इसीलिए अंडरलाइन करना चाहिए। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे गैपिंग के बारे में। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गैप करके लिखते हैं। जैसे कि मान लो हमें एक हिंदी में सेंटेंस लिखना है कि राम जी को 14 वर्ष तक वनवास में रहना पड़ा था, तो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे राम यहाँ पर, फिर जी लिखेंगे इतनी दूर पर, फिर लिखेंगे को 14, इस तरीके से आपको नहीं लिखना दोस्त, ये बहुत ज़्यादा दूर दूर हो गया, क्योंकि इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि भाई साहब आप एग्जामिनर को केवल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, इससे कॉपी का पेज ना तो भरा हुआ दिखाई देगा, ना तो आप सही तरीके से आंसर को लिख पाओगे, ना ही तो आपका आंसर इंप्रेसिव लगेगा, और जाहिर सी बात है एग्जामिनर जो है इसके नंबर आपको ढंग से नहीं देगा। इसीलिए आप उतना ही गैप रखें जितना कि नॉर्मली सब रखते हैं। आधा सेंटीमीटर का गैप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, आप आधे सेंटीमीटर का गैप रख सकते हो, इनफ है ये।
और अब हम लोग बात करते हैं दो क्वेश्चनों के बीच के गैप की। देखो, जब आपका एक क्वेश्चन हो जाता है तब आप दो या तीन लाइनों का गैप छोड़ सकते हो, क्योंकि एक तो आप वहाँ पर बॉर्डर लाइन खींचोगे मे बी अगर खींच रहे हो तो, और अगर नहीं भी खींच रहे हो तो वो काफ़ी जगह इनफ होती है, उससे पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर आंसर खत्म हो गया। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने पाँचवें का जो का खंड था इसके लिए पहला तो यहाँ पर लिखा, फिर एक लाइन का गैप छोड़ा, फिर यहाँ पर लिखा, फिर एक लाइन का गैप छोड़ा, यहाँ पर लिखा, फिर ये एक लाइन का गैप छोड़ा। तो इस तरीके से आप अगर गैप छोड़ते हो तो इससे पता चलता है कि भाई यहाँ से ये जो चीज़ है ये आपस में इंटरलिंक नहीं है। जो आंसर की लाइन है उनके बीच में आपको गैप नहीं देना है, जैसे कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, और जहाँ पर आपका आंसर चेंज हो रहा है वहाँ पर आपको गैप देना है। इन्होंने एक एक लाइन का दिया है, लेकिन अगर ये दूसरा क्वेश्चन होता, जैसे इसी बच्चे की दूसरी कॉपी का पेज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक क्वेश्चन जहाँ पर खत्म हो रहा है वहाँ पर इन्होंने तीन से चार लाइनों का गैप दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें एक दो तीन, तीन लाइनों का इन्होंने गैप रख रखा है। इसके बाद में आप यहाँ पर भी देख सकते हो एक दो तीन लाइनों का गैप रखा हुआ है और यहाँ पर सिंगल लाइन का बॉर्डर बनाया हुआ है। इसके बाद में दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ द आंसर्स के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखो हम लोग ना आंसर भी जनरली चार टाइप के लिखते हैं, या तो हमारा आंसर पॉइंटिंग वाला होता है, या तो पैराग्राफ वाला होता है, या तो हम कंपेरिजन देते हैं, या तो फिर हम न्यूमेरिकल देते हैं। तो पॉइंटिंग वाले आंसर लिखने के लिए हमें क्या समझना होता है, पॉइंटिंग वाले आंसर को लिखते समय हमें यह ध्यान देना होता है कि अगर आपका एक नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट दो पॉइंट दें, या फिर जनरली एक पॉइंट में भी काम चल जाता है। लेकिन अगर दो नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम आपको तीन पॉइंट देने ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है इससे कि अगर एक पॉइंट आपका गलत हो गया तो आपको मार्क्स जो है वो बैलेंस करके दे दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आपका तीन मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप एक पॉइंट ज़्यादा लिख दो, चार पॉइंट लिख दो, और अगर आपका चार नंबर का क्वेश्चन है या पाँच नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें छः या सात पॉइंट दे सकते हो। और पॉइंटों को देते समय भी आपको गैप रखना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इन्होंने यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट दिए हुए हैं, ये इस तरीके से पॉइंट दिए हैं और पॉइंटों के बीच में क्या है एक एक लाइन का यहाँ पर गैप दिया हुआ है। अच्छा, पॉइंटिंग करते समय एक बात का हमें और ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अगर बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है, एज लाइक पाँच या चार मार्क्स का क्वेश्चन है, तीन मार्क्स के क्वेश्चन में भी आप ये कर सकते हो, तो आपको ये ध्यान देना रहेगा जो आप आंसर की शुरुआत कर रहे हो उसके स्टार्टिंग में ना आप एक इंट्रो दे दो, छोटा सा इंट्रो दे दो, एक से दो लाइनों का इंट्रो दे दो, और जब आपके पॉइंट सारे खत्म हो जाएं तो आप एक आउट्रो भी दे दो। तो ये क्या होता है, ये एक डबल इंप्रेशन डालता है और आपके मार्क्स जो हैं वो कहीं से भी कट हो नहीं रहे होते हैं। कई बार पॉइंट भी गलत हो जाते हैं तब भी मार्क्स मिलता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो इन्होंने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका ये जो है मेन इंट्रो दिया हुआ है कि निम्नलिखित तथ्य इस कथन की पुष्टि करते हैं, इससे एक लाइन बढ़ गई। इसके बाद में यहां पर इन्होंने एक दो तीन चार पॉइंट दे दिए, और फिर इसके बाद में हम एक आउट्रो भी दे देते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता यानी कि लघुता में भी महानता का अनुभव कराने वाली सभ्यता कह सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ वाले आंसर्स की। पैराग्राफ वाले आंसर भाई साहब ओहो, ये बहुत कायदे के आंसर होते हैं, इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखना होता है, और जब हम ज़्यादा कुछ लिखते हैं तब हमारी वैल्यू बहुत ही थोड़ी सी मिलती है, कहने का मतलब बहुत कम मार्क्स के मिलते हैं। तो जैसे कि मान के चलते हैं पाँच मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक, तो जब आप शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको एक इंट्रो देना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, आपको एक इंट्रो देना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जहाँ पर आपका इंट्रो ख़त्म हो रहा होता है, जैसे कि हमारा इंट्रो यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है, इस जगह पर, तो जब आप नए पैराग्राफ का शुरुआत करोगे जिसको हम बॉडी बोलेंगे, ठीक है, तो उसको एक लाइन छोड़ करके उसी जगह से स्टार्ट करो। यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से पैराग्राफ की स्टार्टिंग करते हैं। इसको लिखते समय हमें ध्यान रखना होता है अलाइंसमेंट का, गैपिंग का, और जो है ये वाला जो मैंने आपको सर्कमस्टेंस बताया ये जरूर आप ध्यान देंगे। जैसे कि आप इसमें देखिए इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर अलाइंसमेंट को ध्यान रखते हुए पहला पैराग्राफ का जो पहला इंट्रो है ये तो लिखा ही है, लेकिन इस चीज़ को यहाँ से ना स्टार्ट करके यहाँ से करना चाहिए था। अगर ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती तो देखने में और ज़्यादा आकर्षक लगती, फिर यहाँ से स्टार्ट होती, इसके बाद में फिर जैसे लिखा जाता है वैसे लिखते जाते। अब इन्होंने थोड़ा बहुत अलाइनमेंट का ध्यान नहीं रखा है, लेकिन वो देखने में उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल मतलब बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ये चलेगा। इस चीज़ को हम पूरे नंबर देंगे, और एक्चुअली में से मेरे भी पूरे नंबर हैं, क्योंकि जितनी भी मैं कॉपियाँ दिखा रहा हूँ ये सारी टॉपर्स की कॉपियाँ हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा आंसर होता है जिसको हम बोलते हैं कंपेरिजन वाले आंसर। देखो कंपेरिजन वाले आंसर लिखते समय बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, लेकिन मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी आप कंपेरिजन वाले आंसर लिखो तो आप ना इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखो कि आप लेफ्ट और राइट साइड में जो भी आप ये डब्बा बनाते हो, अगर आप डब्बा बना रहे हो तो, नहीं तो केवल आप ये मेन लाइन खींच करके ही दोनों के कंपैरिजन बता सकते हो। इसमें जब आप पहला पॉइंट यहाँ से शुरू करते हो तो जैसे किसी ने पहला पॉइंट शुरू करा तो वो यहाँ से ऐसे ऐसे लिखते जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड में। देखो जब भी हम लोग पहला पॉइंट शुरू करते हैं इसमें तो इस तरीके से मान लो कि हमने पहला पॉइंट लिखा और हमारा पहला पॉइंट इतना बड़ा है, ठीक है, यहाँ तक कि पहला पॉइंट हो गया। अब इधर का जो पहला पॉइंट है वो सिर्फ इतना बड़ा था, तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ से लिखेंगे, ठीक है,
और यहाँ पर यहीं से शुरू कर देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको दूसरा पॉइंट ठीक इसी के सामने से शुरू करना है, इस जगह से, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। मान के चलते इसका दूसरा पॉइंट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, तो अब तीसरा पॉइंट कहाँ से शुरू करेंगे इसका? तो तीसरा पॉइंट तो हमारा यहीं से शुरू होगा, लेकिन इधर का तीसरा पॉइंट भी आपको इसी के सामने से शुरू करना चाहिए। तो ये कंपेरिजन वाले आंसर लिखने का एक तरीका होते हैं। ऐसा लिखोगे तो भाई अच्छा भी लगेगा और आपको मार्क्स भी मिलेंगे, जैसा कि आप इस वाली कॉपी में देख सकते हो। मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, ये आइसोटोप और आइसोबार में डिफरेंस दिखाया है। तो आइसोटोप और आइसोबार में डिफरेंस दिखाते समय इन्होंने पहला पॉइंट लिखा जो कि यहाँ तक है, ठीक है, तो इसमें यहाँ तक आ गया पूरा। अब इसमें यहाँ पर ये देखो अलग से इन्होंने ऐड करा है, तो चाहते तो इसको नीचे भी ऐड कर सकते थे, बट ऑलरेडी जगह खत्म हो चुकी थी, सो दैट इसको बीच में ही लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की शुरू है और दोनों ही सेम लाइन में आए हैं, फिर तीसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की शुरू है, और फिर चौथा पॉइंट जो कि एग्जांपल दिखाना था तो वो यहाँ पर लिख दिया है। तो ये बराबर बराबर करके लिखा हुआ है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एक और कंपेरिजन वाला आंसर देखते हैं। ये देखो स्मॉल स्केल है और इधर साइड में कॉटेज ऑफ द होम सोल्ड है, तो यहाँ पर किस तरीके से देखो, इसका पहला पॉइंट में तीन लाइनें हैं जबकि इसके पहले पॉइंट में सिर्फ दो लाइनें हैं। तो अब जरूरी यह है कि जहां से इसका दूसरा पॉइंट शुरू हुआ है वहीं से इसका तीसरा दूसरा पॉइंट भी शुरू कर रखा है। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना आप, तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, फिर आपकी राइटिंग भी सुंदर होगी, उसके बाद में आपने जो चीज़ें लिखी हैं वो भी अच्छी लिखी होंगी, तो इससे आपको भाई साहब मार्क्स तो पूरे मिलेंगे ही, साथ में टीचर के ऊपर भी यानी एग्जामिनर के ऊपर भी इंप्रेशन आप अच्छा छोड़ गया होगे। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल वाले आंसर्स की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो चाहे आप फिजिक्स की बात करो, जियोग्राफी की बात करो, मैथ तो भाई न्यूमेरिकल वाली होती ही है, इसके अलावा केमिस्ट्री में भी आपको न्यूमेरिकल्स लगाने होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में आप जो है न्यूमेरिकल्स लगाते रहते हो। तो न्यूमेरिकल लगाते समय बहुत सारे लोग कुछ गलतियां ये करते हैं कि जैसे हमने मान लो यहां पर आंसर लिखना शुरू करा, ठीक है, हमने कोई भी आंसर लिखा, तो हम कुछ भी आंसर लिख रहे हैं, अब हमें लगाना है न्यूमेरिकल, तो वो यहां से ऐसे शुरू करेंगे, जैसे कि मैं आपको लगा के दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव इक्वल टू, जैसे मान के चलते हमने सेम लिख दिया, ऐसे मैं आपको बस टेम्परेरी समझा रहा हूं, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, अगर जैसे हमने इसको इसको काट दिया है, ठीक है, वैसे तो सारे कट जाएंगे, बट आप ये सवाल मत देखो, मैं आपको बस समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। तो अब वो एक्स स्क्वायर यहीं से शुरू कर देंगे और ये इक्वल उठा के यहाँ ले आएंगे। आप ऐसा मत करो, इक्वल का मतलब होता है आप ये चीज़ें बिल्कुल अलाइंस में चलाओ, तो सारे इक्वल जो हैं वो एक ही जगह पर लगाते जाओ, इधर से ये ऐसे छोटा होता जाएगा, इधर से ये ऐसे छोटा होता जाएगा, ये चलता है, ठीक है, ये देखने में भी अच्छा लगता है, प्रोफेशनल भी रहता है। और कुछ क्वेश्चंस में, जैसे कि आप कुछ क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो उसमें अगर आपको इक्वल लगाने की ज़रूरत है यहाँ पर, तो आप यहीं पर लगाओ। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ, ऐसे एक मैंने क्वेश्चन लिख दिया, 5 प्लस एक्स प्लस टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई में टू, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, तो आप जो भी इधर से ऐसे सॉल्व करते जाओ, ये धीरे धीरे ऐसे छोटा होता चला जाएगा, बट इसका जो मेन आंसर आना चाहिए वो यहीं तक में होना चाहिए, मतलब इसका जो इक्वल का अलाइनमेंट है ना वो सही जगह पर होना चाहिए, एकदम फिक्स। दूसरी चीज इसमें ना, एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल में जब भी आप अपना आंसर लिखते हो, तो इसमें ना इस तरीके का एक बॉक्स खींचना सीखो। अगर आप ये बॉक्स नहीं बनाते हो तो अब से बना दिया करो, जहां पर भी आपका आंसर हो वहां पर आप मेन आंसर को ऐसे बॉक्स में डालो और उसके आगे आंसर जरूर लिख दो। मैं क्या करता था कि जैसे मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में मेरा जो आंसर आ रहा है वो 20 आ रहा है, तो मैंने लिखा यहाँ पर 20। अब ये मेरा मेन आंसर है, तो मैं 20 लिख के इसको एक डब्बे में डालता था और यहाँ पर ऐसे आंसर लिख देता था, ANS या ANSWR पूरा लिख देता था, या फिर आप इसके अंदर ही लिख सकते हो, लेकिन ये डब्बा जरूर डाल दो, क्योंकि इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो एग्जामिनर है उसको जो मेन आंसर चाहिए उसने वही देख लिया, वो सही आ रहा है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इन्होंने अलाइनमेंट का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखा है, हालांकि उतना नहीं है, लेकिन इक्वल का इसमें कोई भी ध्यान नहीं रखा गया है, बट कोई नहीं, इतना चलेगा, क्योंकि साफ सुथरी राइटिंग में और सब कुछ लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आपको न्यूमेरिकल लगाते समय जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनका साफ स्पष्ट ध्यान रखना होता है। कुछ लोग कॉन्स्टेंट को और वेरिएबल को सेम बना देते हैं, तो उनके बीच में भी आप डिफरेंस करना सीखो। अब आप यहाँ पर देखो, इन्होंने इक्वल का किस तरीके से ध्यान रखा हुआ है, तो हालांकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ठीक है, चलेगा, लेकिन फिर भी जो है इस क्वेश्चन की जो अलाइनमेंट अगर देखी जाए तो एक तरीके से सही बनाई हुई है, ठीक है, मेन आंसर को डब्बे में डाला हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप लिख करके आते हो तो आप काफी ज्यादा अच्छा इंपैक्ट डाल करके आओगे। तो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो जाहिर सी बात है आपकी जो कॉपी होगी वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होगी, आपको एक अच्छा मार्क्स जो है वो मिलेगा और साथ में आप जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर राइटिंग करके आओगे। लेकिन ये सारी चीजें ना एकदम से नहीं आ जाती, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एग्जाम के टाइम तक में आपको इनको याद रखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या चीजें सीखी थी, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, सो
दैट इस वीडियो को चाहे तो आप जो है इसके पॉइंट को लिख लो और अपने दोस्त के साथ में शेयर कर दो, क्योंकि शेयरिंग करने से ही नॉलेज की गेनिंग भी होती है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, तो ये चीज़ें आपको फायदा देंगी। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।